बाबू भैया लव टू सी खानजादी, हमारा एक हैशटैग चल रहा है इंटरनेट पे, पता है कौन सा? अनुजादी करके। विश्वास नहीं होता, कभी कभी लामों में घूम रहे हैं और अब तो मैक्लेरेन और सुपरा भी आ रही है, एंड हमारे पास ना अब 3 सुपर कार हो जाएंगे। एंड जब मुझे पता लगा ना बिग बॉस के घर में कि वो आसाम से नॉर्थ ईस्ट से, तो अलग ही मोहब्बत थी, सपोर्ट तब भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। अपनी मैक्लेरेन लाने के लिए दुबई, सारी चीजें फुल पावर रेडी हो चुकी है गाइज। आई नो थोड़ा सा प्रिपरेशन में टाइम लग गया बिकॉज पीछे ना बैक एंड पे बहुत सारी चीजें चल रही थी गाइज। चेक दिस आउट, ये रही हमारी लैम्बो एंड ये रही हमारी हाइलेक्स जिसपे सारा सामान पूरा लोड हो चुका है। क्या हाल है सतीश जी? बढ़िया बढ़िया। कब पहुंचे आप? सुबह 9 बजे। सतीश जी सुबह 9 बजे पहुंच चुके थे गाइस। हम लोगों को ना एक्चुअली काम निपटाना था, बहुत सारी चीज़ें जो धीरे धीरे करके मैं ब्लॉग पे बताऊंगा। फिलहाल लास्ट वाले ब्लॉग के कमेंट्स में पढ़ रहा था, लोग ये बोले थे बाबू भैया लव टू सी खानजादी, हमारा एक हैशटैग चल रहा है इंटरनेट पे, पता है कौन सा? अनुजादी करके। हाँ, मतलब हमारी फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती के हैशटैग बन रहे गाइस इंटरनेट पे, एंड फैंस ना बहुत एक्साइटेड है दोनों का साथ में देखने के लिए। बता भी नहीं सकता किस क्या लेवल पे मजे आने वाले हैं। बट गाइस जिस चीज़ के हम लोग मिल रहे हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है। बहुत कम लोग थे बिग बॉस के घर के अंदर जो एक्चुअली में रियल थे, जो सच के साथ खड़े रहते हैं एंड जो एकदम रियल थे। वो कहावत है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप सही रास्ते पर चल रहे होते हैं ना तो थोड़ी मुश्किलें आती हैं, बट एट लास्ट वो प्यार, वो अचीवमेंट, वो सक्सेस आपको मिल ही जाती है। मैं जब बिग बॉस के घर के अंदर था तो मुझे लग रहा था क्या होगा बाहर आकर के, बट बाहर आकर के जो प्यार और मोहब्बत मिल रही है ना, कांट टेल यू, इतनी सारी चीज़ें हो रही है ज़िंदगी में। धीरे धीरे करके आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा। फिलहाल अभी हर्ष, दुष्यंत, मैं सब रेडी हो चुके हैं, यहाँ से हम लोग तैयार होकर के निकल रहे हैं, लैम्बो को कोल्ड स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ अभी दुबई की फ्लाइट्स नहीं हुई है, क्योंकि अभी दिल्ली में ना हम लोगों को एल्विश भाई खानजादी के साथ कितना टाइम लगेगा, आई एम रियली नॉट श्योर, सो इट्स गोना टेक टाइम। सो मैं ये सोच रहा था कि पहले एक बार ये सारे काम निपटा लूँ, उसके बाद ही हम लोग ये फ्लाइट्स वाला सीन कराएंगे, नहीं तो आपको पता है फ्लाइट हमेशा से मिस होती हैं। कोल्ड स्टार्ट करते हैं अपनी लैम्बो को और निकलते हैं गाइज दिल्ली के लिए। ओके भाई, हम लोग निकल ही रहे थे घर से, एंड चेक दिस आउट, मम्मी को हम लोग कह रहे हैं बाय बाय, आपकी नई सुपर कार लेकर के आते हैं। मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, मेरी भी तबीयत खराब चल रही है, निकल रहा हूँ, बट मिलते हैं मम्मी आपकी नई सुपर कार को लेकर के। बाय बाय, लेट्स गो गाइज, सब चीजें रेडी हो चुकी हैं। जुलू भाई, बाय बाय जुलू भाई, मेरी छतरी सी भी थी, बाय 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 भाई जुलू, मिलेंगे आपसे, आप मेरे को भूल मत जाना, ठीक है बीबी? आप अपना ध्यान रखना, रोटी खाना और मोटे हो जाना, जब तक मैं वापस आऊं आप और मोटे हो जाना, ठीक है जुलू, बाय। एंड गाइस हियर इज आवर प्रिंसेस, हेलो सैंडी, क्या हाल है? बाय बाय चांदी, बाय, ध्यान रखो, सो जाओ, और सबको बाय बाय कर चुके गाइस, लेट्स गो। ये देखो लैम्बो की चाबी लेकर के कौन घूम रहा है भव्य आगे वाला। पहले गाड़ी ना ऑन करनी पड़ती है तब खुलता है। खुल गया? दबा के रखो भव्य उसे, जिनकी स्वीट शॉप है ना उनको, ओ जिनके पेट्रोल पंप है उन्हें बोल रहा हूँ, जिनके केले उनको बोल रहा हूँ, जिनका सब कुछ है उनके बोल रहे हैं, जिनका सब कुछ है जिनके पास। हाँ गाइस, हम मेरे पास ये सब लोग है इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। हम तो दुबई में रहेंगे ना अब। क्यों हबीबी? हम नहीं आएंगे, अरे हम तो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, हम तो दुबई शिफ्ट। सतीश जी बोल रहे हबीबी, आप नहीं जाओगे, आपकी वाइफ भी जाएगी साथ में, अकेले नहीं बैठ सकते। मैंने सुना है वहाँ की मसाज बहुत अच्छी होती है। कह रहे भैया आप मुझे निकलवा दो यार। भाई सतीश जी और उनकी वाइफ को साथ लेकर के जाएंगे यार, हम तो चले जाएंगे। भैया तुम कब जाओगे किसी के साथ? शादी कर लो बहन डायरेक्ट, बनाऊंगी अपना पासपोर्ट। लेकर के आते हैं, लेट्स गो। हाँ चल चल। ओके गाइस, हम लोग निकल चुके हैं, एंड लैम्बो को खींचने में जो मजा आता है ना गाइस, क्या पावर है ना भव्यस की, पता ही नहीं चल रहा है ऐसे पहुंच जाएंगे हम लोग। इतना स्मूथ इंजन है ना गाइस, रोड पर वो क्रेजी रहता है। मैं ना कुछ साल पहले वीडियोस देखा करता था लैम्बो रिएक्शंस, लोग पीछे से वीडियोस बनाते हैं, क्रेजी रिएक्शंस, बच्चों के स्कूल रिएक्शंस, हर एक गर्दन मुड़ती है पीछे की क्या जा रहा है, एंड वो देख करके इतना अमेजिंग सा लगता है ना गाइस, मतलब जो मैं पहले वीडियोस में देखा करता था आज वो सपने सारे खुद जी रहा हूँ। बहुत लंबा सफर रहा है यहाँ तक का, बट
जिस चीज को आप वीडियो में देख रहे होते ना पहले, एंड फिर आप खुद जी रहे होते, तो आप घूम रहे होते हो जैसे मेरी तरह। देखो ये देख रहे हो इस पे लैम्बोर्गिनी, भयंकर विश्वास नहीं होता कभी कभी लैम्बो में घूम रहे हैं, और अब तो मैक्लारेन और सुपरा भी आ रही है, एंड हमारे पास ना अब तीन सुपर कार हो जाएंगी, एक भव्य की, एक हर्ष की और एक मेरी। दिन के हिसाब से बैठूंगी बगल में खब्बी सीट पे, और दुष्यंत मेरे साथ रहेगा क्योंकि एक बंदा तो चाहिए ना लैम्बो में बैठने वाला प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं तो खब्बी सीट पे बैठूंगी, किस में भी बैठूंगी। फिलहाल के लिए देहरादून का मौसम आप लोगों को दिखा देते, ये चेक करो देहरादून का मौसम, और एकदम बारिश बारिश वाला, एंड मसूरी मसूरी में बर्फ भी बहुत भयंकर पड़ रही थी। मेरा मन तो था वहाँ पर जाने का, बट फिर प्लान नहीं, बड़ा मन तो था जाने का वहाँ पर, बट अभी काम बहुत है। वैसे ही तबीयत बहुत सही है आपकी, आपको बर्फ में खेलना है। घूम बाद में लेंगे गाइस, अभी काम पर बहुत फोकस कर रखा है, बहुत यही टाइम है गाइस काम पर फोकस करने का। पार्टी शार्टी हम लोग 10 कर लेंगे, बट अगर इस टाइम पर मेहनत नहीं करी ना, मेरे ना सपने कभी भी लिमिटेड नहीं रहे, मेरा हमेशा से ये रहा है कि चलो अब एक चीज अचीव कर ली, अब एक नई चीज अचीव करेंगे, एंड तब भी मजा आता है। अगर आप लाइफ में कभी सेटल होने लग गए ना यार, आप तब भी खुश रहोगे अपनी जिंदगी में जब आपके अकाउंट में 10,000 रुपए रहेंगे, और आप तब भी खुश हो जब आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए होंगे। बट वो जो 1 करोड़ वाली मेहनत रहती है ना, जब आप वो करते हो ना, वो अलग ही नशा है मेहनत का। पैसा, फेम, प्यार, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, बट अगर मेहनत करते रहोगे ना अल्टीमेटली, तो एक ना एक दिन सारे सपने पूरे होंगे। ये रियलिटी चेक कर लो, सोना और खाना और नखरे उठाना बस। क्या भव्य के नखरे हैं गाइस, ये तो दुबई जा भी नहीं रही है, बट पर भी दिल्ली तक बोली भैया मुझे प्लीज ले जा लो, ले जा लो। मैं सो रखी थी, मुझे पूछा गया गुड सिस्टम पैड का चला छोर टोर में चला टोर में चला टोर में बोले बाबा की गिर पत्थर रब मौज में मौज में रब मौज में। हेलो हेलो, क्या हाल है? ओके आंटी, थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू आंटी, आपकी गाड़ी बहुत प्यारी है। थैंक यू आंटी, आजो जल्दी आओ, जल्दी आओ, लो फटफट गाइस बाहर, ये चेक करो पूरा फ्रीज। आंटी पता भीड़ को देखिए, जैसे भागे भागे आई थी आंटी, जो आई थी ना अभी, रुको रुको मुझे फोटो खिंचानी है, रुको। और सब लोग इतने प्यार से ट्रीट करते ना गाइस, ये जनता कमा रखी है, कहीं पर भी रुक जाओ। नॉर्मल जनता तो सब कमा लेते हैं, लेकिन जो ये बड़ों का, बड़े जो भागते हैं ना आंटी, क्या मोहब्बत है भयंकर। फिर से रेड लाइट में फंस गए, खान चाची को कॉल कर रहा हूँ, सो रखी है ब्रो। हम दोनों ही थे बिग बॉस के घर में जो सबसे ज्यादा सोते थे। खान चाची तेरे को लेने आ रहा हूँ। कॉल कोई ठका व्यक्ति जने वर्तमान कोनो कॉलर उत्तर दिया ना है। गाइस गुड नाइट हो रखी है खान चाची की, एंड जिन्हें नहीं पता कि मेरे को हमेशा से केजी के लिए इतना अफेक्शन क्यों था, बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ, वो आसाम से है, एंड जब मुझे पता लगा ना बिग बॉस के घर में कि वो आसाम से है, नॉर्थ ईस्ट से, तो अलग ही मोहब्बत थी, सपोर्ट तब भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। जॉय आई कॉम लास्ट में बोला ना उसने, अपुने जो है कॉल करो व्यक्ति जन वर्तमाने व्यस्त आए छे। कैसी लगी मेरी एसएमईज? दो तीन चीजें तो पता है मेरे को एसएमईज में, केला गाइस, ये अनुजादी का जो कोलैबोरेशन है ये इंटरनेट हैंग कर देगा गाइस, करते हैं उसे फोन, जैसे ही उठेगी फिर बात करता हूँ कि आके पहुंच रहे तेरे पास लैम्बो लेकर के। सिस्टम पैड का चला छोर टोर में चला टोर में चला टोर में गाड़ी बचाना।